बॉलीवुड स्टार प्रियांशु चटर्जी इस वक्त मेरे साथ हैं। सीधा ले चलता हूं आपको उनके पास, क्या कुछ कहना है उनका। फिफ्थ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अपनी शिरकत की है, देहरादून में यह फिल्म फेस्टिवल हो रहा है। मैं सीधा मुलाकात कराता हूं आपकी, क्या कुछ कहना होगा सर। आप देहरादून आए हैं सबसे पहले, तो कैसा लग रहा है और साथ में फिल्म फेस्टिवल के बारे में? बहुत अच्छा लग रहा है देहरादून फिफ्थ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आकर के, और बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए ये पाँचवें साल में इनकी जो आने वाली फिल्में, इस साल 350 फिल्में आई हैं, तो बहुत अच्छा लगा कि इनका प्लेटफॉर्म हर साल बड़े से बड़ा होता जा रहा है, और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर अपनी फिल्में प्रदर्शित करने का और अपने थॉट्स, अपना कॉन्सेप्ट शेयर करने का एक प्लेटफॉर्म मिलता है। दैट इज़ रियली गुड, एंड हर साल मैं चाहूँगा कि ये बड़े से बड़ा होता रहे, और हमारे देश के हर प्रांत से, हर जगह से हमारा लोकल कंटेंट जो बगैर हॉलीवुड से या वर्ल्ड सिनेमा से प्रभावित हुए हुए, अपना जो देसी कंटेंट है वो जगह एक मिले हमें, और हम अपनी फिल्मों पे, अपने सब्जेक्ट्स पे लोकली काम कर सकें। और क्योंकि सच में अगर आप लोकल हैं तो सच में तभी आप इंटरनेशनल हैं, तभी आपका एक अपना वजूद अलग से दिखता है। सर देखा गया है आपने भी कई फिल्मों में काम किया है, कोई ऐसी फिल्म जो आपके दिल के काफ़ी करीब हो? और साथ ही इस फेस्टिवल की यदि बात की जाए तो बॉलीवुड से किस प्रकार से ये अलग है, या कुछ मिलता जुलता बॉलीवुड से? बॉलीवुड से मिलता जुलता बिल्कुल, और डेफिनेटली क्योंकि पहले आपने जो सवाल पूछा कि मेरी प्रिय फिल्म अपनी फिल्मों में से बहुत अच्छी लगती है पिंजर, जहाँ पर एक भारत और पाकिस्तान की पार्टीशन के ऊपर हमने बात की। फिर एक फिल्म मुझे अच्छी लगती है अपनी जो है भूतनाथ, जिसमें एक बाप बेटे की तकरार और फैमिली ड्रामा, फिर मुझे लगता है ये हमारे सब्जेक्ट हैं। तो डेफिनेटली बॉलीवुड इन सब चीज़ों से प्रभावित होता है, हमारी छोटी छोटी शहरों की कहानियों से प्रभावित होता है, और आजकल उन्हीं पर काम चल रहा है। तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है कि देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ये जो पांचवा जो ये साल है कि हमें और मौका मिल रहा है अपनी कहानियों पर काम करने का, सो दैट्स वंडरफुल। सर यदि मैं बात करूँ इस बार, तो आप कह रहे हैं 350 लगभग यहाँ पर, किस प्रकार की कैटेगरी, कुछ कैटेगरी इस पर डिवाइडेड किया गया है, या इंटरनेशनल सब आमंत्रित हैं, आप बिल्कुल आइए, अपनी कहानी लेके आइए। और कुछ फिल्में यहाँ लोकल जो उत्तराखंड की हैं, कुछ बॉम्बे से जैसे हम अपनी फिल्में लेके आए हैं, तो हर तरह की फिल्में आ रही हैं। साथ ही सर प्लेटफॉर्म की यदि बात की जाए, तो किस प्रकार का प्लेटफॉर्म उन प्रतिभागियों को यहाँ से मिल सकता है? यही कि आप अपना काम करके लाएँ और यहाँ दिखाएँ, और यहाँ पर बॉलीवुड से इतने लोग, ये 3 दिन का फेस्टिवल होता है, तो 3 दिन में जैसे 6, 7, 8 सितंबर को, तो अब 3 दिनों में इतनी सारी फिल्में दिखाई जाएंगी, वापस लोग बॉम्बे जाएंगे, वापस लोग चेन्नई जाएंगे, केरला जाएंगे, और जा करके इन कॉन्सेप्ट बात करेंगे, देखिए क्या कहाँ हुआ, तो फिर कंटेंट वहाँ से डेवलप होता है। सर एक लास्ट सवाल, आपके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में भी हम जानना चाहेंगे, देश की जनता जानना चाहेंगे, क्या होने वाला है? जी अभी फिलहाल 27 सितंबर को फिल्म है लिटिल बेबी, और फिर 18 अक्टूबर को फिल्म है अर्जुन सिंह IPS बैच 2000, तो ये 2 फिल्में हैं अभी फिलहाल आएंगे, और एक वेब सीरीज अभी चल रही है ओल्ड लस्सी एंड चिकन मसाला, वो ऑलरेडी ऑन हो गया, देख सकते हैं। सर IPS अर्जुन सिंह का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, हाल ही में टीजर रिलीज हुआ है, कुछ जानना चाहेंगे इस विषय में? सिस्टम के ऊपर फिल्म है, और पुलिस एंड पॉलिटिक्स के ऊपर एक हमारे डायरेक्टर साहब का, उनका एक जो मतलब है, जो कहना चाहते हैं उसी के ऊपर सारी बात। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच सर। उत्तराखंड की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव उत्तराखंड, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।